दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के भक्तों के अनेक रूप होते हैं। कोई कांवर यात्रा कर महादेव को खुश करना चाहते हैं, तो कोई डाक बम यात्रा कर। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी यात्रा के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं जिसे आप लोग दंडवत यात्रा के नाम से जानते हैं, और ये यात्रा सबसे कठिन यात्रा होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दंडवत यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दंडवत यात्रा सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है, और ये यात्रा सुल्तानगंज से शुरू होती है बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए। पूरे 105 किलोमीटर की दूरी को हमारे भक्तों को तय करनी पड़ती है। 105 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगभग महीने लग जाते हैं। दंडवत यात्रा करने वाले भक्त एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर ही चल पाते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी कठिन यात्रा होती है। लेकिन जिनके मन में श्रद्धा भक्ति भगवान भोलेनाथ को लेकर, उनके लिए कोई भी यात्रा कठिन नहीं होती है। ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, जुबान में सिर्फ एक ही नारा, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है के नारा लगाते हुए हमारे शिव भक्त इस कठिन यात्रा को पूरी करते हैं। अगर ऐसे भक्त आपको कांवर यात्रा में मिले तो आप उनकी मदद जरूर करें। अंततः महीनों बीतने के बाद दंडवत यात्री बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के बाद अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। उनकी यात्रा अभी भी समाप्त नहीं होती है। बाबा धाम देवघर में जल चढ़ाने के बाद वह पुनः निकल जाते हैं बाबा वासुकीनाथ धाम के लिए। फिर बाबा वासुकीनाथ धाम में पहुंचकर बाबा वासुकीनाथ धाम में जाकर के बाबा वासुकीनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस तरह से इनकी ये यात्रा मंगलमय होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को दंडवत यात्रा के बारे में मिली जानकारी अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, एवं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री शंकर बोल बम लिखना ना भूलें। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह के न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव जय श्री शंकर बोल बम, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। बोल बम जय बाबा बैद्यनाथ।